भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन बेहद इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में जहां चेतेश्वर पुजारा का यहां पर विकेट इंग्लिश टीम को मिला, उसके बाद कप्तान कोहली और अजिंक्य रहाणे धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत की पारी के 88वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने ओली रॉबिन्सन की गेंद पर ऐसा झन्नाटेदार शॉट जड़ा कि पूरा का पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। खुद अंग्रेज गेंदबाज भी ताली बजाने लगे यहां पर अजिंक्य रहाणे को देखकर। बड़ी बात यह है कि अजिंक्य रहाणे ने साफ तौर पर बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से कवर ड्राइव जड़ाया कि पूरी की पूरी इंग्लिश टीम हैरान रह गई। अमूमन हम इंग्लिश कंडीशंस में बल्लेबाजों को बाहर की गेंद को छेड़ते कम ही देखते हैं, लेकिन रहाणे का यही अंदाज, जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, उस फॉर्म को वो कंटिन्यू रख रहे हैं। फिलहाल भारतीय टीम इस सेशन में करीब 10 ओवर खेल चुकी है और 18 रन उन्होंने अपने इस सेशन में अभी तक बनाए हैं। भारत धीरे धीरे इंग्लिश टीम के जो एक बड़ी लीड है उसको पीछा कर रही है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से भारत का आज अप्रोच रहता है। हालांकि आपको बता दें कि यहां में से जिस तरीके से टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत का अप्रोच सीधा है कि यहां पर लीड को जल्द से जल्द कम किया जाए। पुजारा के रूप में भारत को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन फिलहाल कप्तान कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर डटे हुए हैं। लेकिन रहाणे के शॉट को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पूरा का पूरा स्टेडियम रहाणे के शॉट को देखकर जमकर तालियां बटोर रहा था। अजिंक्य रहाणे अमूमन बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की गेंदों पर वो इस तरीके का शॉट चढ़ते हैं तो फिर उनकी फॉर्म और उनकी तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इंग्लिश टीम दबाव में नजर आ रही है। इंग्लिश टीम के गेंदबाज विकेटें निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत को यहां पर एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है। और आज अगर भारत पूरा दिन लगभग खेल जाता है तो फिर भारत को इसका फायदा मिल सकता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।